चलिए रुक करते हैं बैतूल से मिल रही खबर का, जहां पर जय किसान ऋण माफी योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित किया सीएम कमलनाथ ने। उन्होंने कहा कि किसानों का जन्म कर्ज में होता है और मृत्यु भी कर्ज में हो जाती है। हमने किसान को कुछ राहत देने की कोशिश की है, 2 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है। आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में मजबूत नीतियां बनाएंगे। आज के नौजवान में तड़प है, आज का नौजवान काम चाहता। मोदी जी ने नौजवानों के साथ भी छलावा किया, अच्छे दिन आएंगे कहा था, लेकिन हर वर्ग परेशान। साफ तौर पर यहाँ पर केंद्र को निशाने पर लिया और केंद्र सरकार पर तमाम सवाल दागे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो किसानों के लिए काम कर रही है और आने वाले समय में और भी नीतियां बनाई जाएंगी किसानों के लिए। किसान ऋण माफी योजना के तहत आज ये कार्यक्रम बैतूल में रखा गया और इस कार्यक्रम को संबोधित किया, किसानों को संबोधित किया सीएम कमलनाथ। तो संबोधित करते हुए यहाँ पर सीएम कमलनाथ ने कहा है कि किसान का जन्म कर्जे में होता है और कर्जे में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में कमलनाथ सरकार ने थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। अतिन खरे हमारे साथ है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अतिन, बैतूल पहुंचे सीएम कमलनाथ, ऋण माफी योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कुछ कहा किसानों से? जी बिल्कुल, कमलनाथ जी का आज दौरा जो बैतूल में था वो बहुत ही अहम था और ये उनका यहाँ पे पहला दौरा था और 2 लाख तक का जो किसानों को राहत दी है कर्ज माफी करके, उसके लेके प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं, जिससे किसान काफी खुश नजर आए।